हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। दुल्हन की रसोई में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल सैंडविच। ये सिंधी स्पेशल है और बहुत ही अच्छा नाश्ता है इवनिंग के लिए। घर में अगर आपके घर गेस्ट भी आने वाले हैं तो आप ये पहले ही तैयारियां करके रख सकते हो, तो वो टाइम पे आप सर्व कर सकेंगे और उनके साथ अच्छा टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं इस ज़रिए। और आज मैं आपको हेयर फॉल के ऊपर टिप बताने वाली हूँ। ये वीडियो के एंड में आपको टिप बताऊंगी, तो प्लीज़ आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अभी हम बनाने जा रहे हैं दाल सैंडविच। दाल सैंडविच के लिए पहले हमने यहाँ दाल बॉयल की है। ये येलो मूंग दाल है, इसको हमने नमक डाल के बॉयल किया हुआ है और बॉयल करने के बाद इसे हमें मैश कर लेना है। ये हमने यहाँ लिया है एक बारीक कटा हुआ कांदा। उसके बाद ये ग्रीन चटनी है, ये मीठी चटनी है इमली और गुड़ की। उसके बाद ये है बारीक सेव। यहाँ हमने ये लिए तीन आलू बॉयल किए हुए, जिनको मैश कर लिया है। अभी हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ कांदा, नमक स्वाद अनुसार। नमक हमें आलू के हिसाब से ही डालना है, क्योंकि हमने दाल जब बॉयल की थी तो दाल में भी नमक डाला हुआ था। एक स्पून हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और एक स्पून इसमें डालेंगे चाट मसाला। सभी मसालों को हम अच्छी तरह से मिला देंगे। यह हमारी सैंडविच के लिए स्टफिंग जो है वो तैयार हो गई है। ये है ब्रेड के स्लाइसेस। यहाँ हम वाइट ब्रेड का यूज़ कर रहे हैं, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। हम लेंगे एक ब्रेड का स्लाइस। ये जो हमने आलू की स्टफिंग तैयार की है वो हम इस पर स्प्रेड कर देंगे। आपको मैं एक और ऑप्शन बताना चाहूँगी, आप चाहें तो ये बॉयल आलू के स्लाइसेस करके आप इस पर लगा यूज़ कर सकते हैं स्टफिंग के बजाय, और सिर्फ उसके ऊपर नमक एंड चाट मसाला आप स्प्रिंकल कर लीजिएगा। और दूसरा स्लाइस हम रख देंगे। यहाँ हमने गैस पे पैन रख दिया है टोस्ट करने के लिए। ऑयल एक थोड़ा सा हम डाल के इसको हम टोस्ट करेंगे दोनों साइड से सैंडविच को। आप चाहें तो उसको ऐसे भी तैयार यूज़ कर सकते हो टोस्ट किए बिना भी। ये जैसे ही एक साइड से तैयार टोस्ट हो जाएगा तो हम इसका साइड चेंज कर लेंगे। आप ये दोनों ऑप्शन यूज कर सकते हो। अगर घर में गेस्ट आए हुए हैं टोस्ट न करके भी आप ये सैंडविच जो है सर्व कर सकते हो। ये देखिए हमारी सैंडविच जो है टोस्ट हो चुकी है दोनों साइड से। सैंडविच को हम कट करेंगे। आप स्लाइसेस के हिसाब से इसके पीसेस कर सकते हैं। स्लाइस बड़ा है तो आप उस हिसाब से पीसेस अच्छी तरह से कर सकते हो ज़्यादा। अभी हम इस पर पहले दाल स्प्रेड करेंगे जो हमने दाल बॉईल करके रखी थी। पूरी तरह से स्प्रेड करना है सैंडविच के ऊपर दाल को। अभी हम इसमें डालेंगे पहले मीठी चटनी जो हमने बनाई हुई है, खट्टी मीठी इमली की, वो डालेंगे। उसके बाद हम डालेंगे ग्रीन चटनी, बारीक सेव हम अभी डालेंगे इसके ऊपर। और लास्ट में डालेंगे बारीक कटा हुआ हर प्याज। ये देखिए ये हमारी बनकर तैयार है दाल सैंडविच। कितना इजी रेसिपी और कितना टेस्टी है ये। आप बना के ट्राई कीजिए और हमें कमेंट्स में बताइए आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। अभी मैं आपको बताऊंगी हेयर फॉल के लिए। हेयर फॉल का प्रॉब्लम सभी लोगों को है ज़्यादातर। सभी शैम्पू यूज़ करते हैं लेकिन फिर भी इतना फ़ायदा नहीं मिलता है। आप घर बैठे इसका इस्तेमाल कर सकते हो जो मैं आपको अभी बताऊँगी टिप। मेथी दाना आपको मालूम है, मेथी दाना सबके घर में ज़्यादातर रहता ही है। आप एक स्पून के तकरीबन मेथी दाना रात भर भिगो के रखिए, सुबह उसका पानी अलग कर लीजिए। और उसके बाद आप इसमें डालिए एक स्पून कांदे का पानी। कांदे को आप ग्रेट कर लीजिए, कद्दूकस कर लीजिए और एक स्पून के तकरीबन उसमें वो पानी मिला दीजिए।
जब भी आपको शैम्पू करना हो आधा घंटा पहले ही ये आप पानी लगा कर छोड़ दीजिए और उसके बाद आप शैम्पू कीजिए। एक महीने के अंदर आप देखेंगे आपको फ़र्क मालूम पड़ जाएगा, हेयर फॉल का प्रॉब्लम आपका धीरे धीरे सॉल्व होने लगेगा और बालों में अच्छी सी शाइन भी आ जाती है इससे। तो आप ये टिप ट्राई करके देखिए, आपको ये ज़रूर फ़ायदा देगा। फिर मिलेंगे नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।